हेलो एवरीवन, मैं अरबी जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आरएसएम एसएसपी लैब असिस्टेंट 2021 से जुड़े हुए आपके कुछ डाउट्स हैं जिनको क्लियर करने वाला हूं। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं लास्ट वीडियोस पे, तो मैंने कुछ सिमिलर कमेंट लिए हैं आपके और उनका बारी बारी से रिप्लाई करूंगा। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं जो भी आपके यहाँ पर डाउट है, आरएससीआईटी चाहिए चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी नोटिफिकेशन, पोस्ट कितनी है और प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये यहां पर मैंने लिख लिए हैं और एक एक को हम समझेंगे। यहां पर सबसे पहला जो मैक्सिमम जो डाउट आ रहा है आप लोगों का कि लैब असिस्टेंट के लिए क्या आरएससीआईटी जरूरी है, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, लैब असिस्टेंट का मतलब होता है प्रयोगशाला सहायक। और ये जो पोस्ट होती है ये स्कूल्स के अंदर होती है, जिसमें 11, 12 के जो बच्चे होते हैं, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, उनकी कुछ लैब होती हैं, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, फिजिक्स की जो लैब होती हैं उसके अंदर यहाँ पर ये नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा कॉलेज में भी जो साइंस की मतलब कि साइंस की जो सब्जेक्ट होती है, उनकी जो प्रैक्टिकल लैब होती है, उसमें यहाँ पर इनका पद होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, तो आरएससीआईटी जरूरी नहीं है, बिल्कुल आरएससीआईटी जरूरी नहीं है। आप आरएससीआईटी आपने नहीं भी कर रखी है तो भी आप फॉर्म लगा पाएंगे। बाकी की अगर हम वैकेंसी की बात करें, वीडियो की बात करें या पटवार की बात करें या मतलब और भी जो बाकी की जो वैकेंसी आती है राजस्थान के अंदर, उसमें जरूरी है, उसमें तो आरएससीआईटी चाहिए ही चाहिए, जैसे एलडीसी हो गया। लेकिन लैब असिस्टेंट में अभी तक नहीं मांगा है, चाहे 2016 के अंदर जो वैकेंसी आई थी या 18 के अंदर वैकेंसी आई थी उसमें आरएससीआईटी नहीं मांगा था। तो हो सकता है अभी भी इस बार भी आपसे आरएससीआईटी नहीं मांगे। तो आरएससीआईटी या कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपने नहीं कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो आपका सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है वो है आपका एज लिमिट, कि भाई एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। सर मैंने अभी 17 साल कंप्लीट की है, मैंने अभी 18 साल कंप्लीट की है, मेरे 17 साल में 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जब से आपके नोटिफिकेशन आउट होगा या आपकी जो एग्जाम डेट है वो होगी, तब तक आपकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम तो 18 मांगेंगे 18 वर्ष तो आपको पूर्ण होना ही चाहिए, और मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं या कितने भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम 18 वर्ष अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। 17 वर्ष वाले, 16 वर्ष वाले या 17.5 वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो एज सीमा दी होगी उसके अंदर कि इस डेट तक आपकी जो एज लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए, वही कंसिडर की जाएगी। तो यहां पर मैं मिनिमम बताना 18 वर्ष आपको कंप्लीट करना है। आगे की यहां पर बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन आप सभी को मैंने बार-बार बता दी है, सभी वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता हूं कि भाई 12th पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। परसेंटेज का कोई इतना क्राइटेरिया उसमें है नहीं, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। और 12वीं पास में अगर आपने पीसीएम से कही है, ठीक है ना, अगर आप पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं या एग्रीकल्चर से भी है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर हमने तो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से 12th की है, तो हाँ आप साइंस स्ट्रीम के ही स्टूडेंट हैं, आप एलिजिबल हैं। तो आपने अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या बायो के हैं या एग्रीकल्चर के हैं, तीनों स्ट्रीम में से किसी के भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वैकेंसी नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सभी को इंतजार है बेसब्री से कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दिवाली से पहले एक मीटिंग हुई थी शिक्षा विभाग की, जिसमें काफी सारी पोस्ट है आपके, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा जो है आपके टीचर्स की पोस्ट हो गई, इसके अलावा लाइब्रेरियन जो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष है, पीटीआई टीचर है और लैब असिस्टेंट है, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। इनका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आ चुका है, तो जल्द ही शीघ्र ही इनकी जो विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी, इनका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो बहुत जल्दी ही इसका जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, बहुत जल्दी, कभी भी आ सकता है, इस महीने में भी आ सकता है, अगले महीने में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। बात करेंगे पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। अगर पुराना हम देखें जो मतलब गूगल पर अगर आप सर्च करोगे या अलग अलग न्यूज वाले अलग अलग बता रहे हैं कि कोई 1200 पोस्ट बताता है, कोई 800 बताता है, बट जो अखबार में या जो अभी ऑफिशियली जो कटिंग आई है, जो मैंने आपको नोटिस दिखाया था, उसमें जो पोस्ट है वो 461 ही है, उसमें 461 है। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, डेफिनेटली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लैब असिस्टेंट है, जो प्रयोगशाला सहायक है, उनकी कितनी पोस्ट है, 461 पोस्ट है। तो लगभग 461 इससे ज्यादा ही आएंगी, कम नहीं आएंगी, लेकिन अभी तो इतना ही मानते हैं। बात करते हैं प्रिपरेशन की, इसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं, आज मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बताया है, वो पुराना पिछले साल का जो सिलेबस है, लास्ट टाइम पे
आपकी एग्जाम हुई थी लैब असिस्टेंट की, उसका सिलेबस है, लेकिन इस बार भी वही रहेगा, साइंस में भी वही रहने वाला है, वही एनसीईआरटी वाला, और जो आपका राजस्थान जीके है वो भी कंप्लीट वही रहने वाला है। तो टॉपिक तो वही रहेंगे, अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका क्या रहता है कि दो बार इसने अभी तक एग्जाम ली है, और दो बार जो मैंने एग्जाम खुद ने देखी है, जब मैं बीएससी कर रहा था उस टाइम पे एग्जाम हुई थी, उसके बाद जब मैं एमएससी कर रहा था उस टाइम पे भी एग्जाम हुई थी, तो यहां पर मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है कि जो आरएसएमएसएसपी का लैब असिस्टेंट है, ये तुरंत इसकी विज्ञप्ति आती है और तुरंत ही एग्जाम होती है, मतलब एक डेढ़ महीने का गैप देता है ये, चाहे आप पुराना रिकॉर्ड देख लेना इसका, जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो आपको एक या डेढ़ महीने का गैप मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। बेस्ट बुक कौन कौन सी हो सकती है मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान के लिए आप, राजस्थान जीके के लिए आप लक्ष्य ले आइए, इसके अलावा जो है करंट अफेयरेंस के लिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, मतलब मुंबल या जो भी क्रोनोलॉजी आती है पढ़ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका साइंस है उसके लिए अभी आप जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहे, या आपके पास कोई नोट्स है तो नोट्स पढ़ लें। कंप्लीट राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अनअकैडमी का जो आरपीएससी कैटेगरी है वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं, काफी सारे टीचर्स हैं जो आरए सिलेक्टेड है वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कंप्लीट कोर्स डाल रखा है सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो आप कंप्लीट वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि अभी बैच भी स्टार्ट हो जाएंगे वहां पर, जैसे ही वैकेंसी आउट होगी तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कोई भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, जिसने एसएससी जीडी का फॉर्म लगा रखा है, जिसका एग्जाम अभी होना है 16 नवंबर से, या आप एसएससी की आगे जाके तैयारी करना चाहते हैं सीएचएसएल सीजी है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाके। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी रेगुलर क्लास हो रही है, फ्री स्पेशल क्लासेज भी हो रही है और प्लस क्लासेज भी हो रही है। मेरी जो प्लस कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स ऑन बायोलॉजी, वो 11 बजे रोजाना क्लास होती है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करें Genuine10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, सभी लोग ले सकते हैं। आज शाम को जो है 8 बजे मेरी क्लास होने वाली है, रोजाना होती है, और क्लास का नाम है मातुजी सलाम सीरीज, जिसमें मैं एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करवाता हूं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पहली बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपसे एक जो है इनवाइट कोड या रेफरल कोड मांगेगा, तो वही Genuine10 आप लगा देना, फ्री एनरोल हो जाएगा और आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। अपकमिंग क्लासेस के लिए अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल अरविंद कुंडारा, उस पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।